वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि ये तो मम्मी हम लोग के पीछे पड़ी रहती दिन भर। अभी ये क्या बना रहे हो टमाटर का? आज है फ्राइडे, मुझे मन करता है ना कि आर्यन का जो जीव है चटर पटर चटर पटर करता है। अभी कुछ बना दूंगी तो खाओगे नहीं। मैं सोची जिससे तुम लोग, मैं सोची जो आर्यन को पसंद है वही बना देती हूँ, क्योंकि ये सब चीज बनाती हूँ तो आर्यन थोड़ा पेट भर खा भी लेते हैं। और मैं बना रही हूँ अंडा भुजिया, इसमें थोड़ा सा मैं डाली थी पास्ता मसाला, मैगी मसाला नहीं था तो पास्ता मसाला ही ले ली। और टमाटर प्याज जीरा का तड़का देके बनाए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बस तीन अंडा वाला मंगाए हैं, तीन अंडा आप लोग देख सकते हैं। और इधर रोटी बना के रखी हूँ फटाफट। और सुबह इतना रहता मैं एकदम बिल्कुल थक गई हूँ, आर्यन से बोल दी कि मैं बोली आर्यन मैं इधर खाना बन गया थोड़ा तुम हटा हटा के घर थोड़ा सा साफ कर दो। देखो अब जा रहे हैं आर्यन थोड़ा सा मेरा हेल्प करने, करो भी नहीं कुछ बोलते कि नहीं रोज तो करता हूँ तो मुझे पता है रोज करते भाई। देखो हम भी दिन भर का पूरा काम, दोनों बच्चों की जिम्मेदारी, तो थोड़ा सोचते हैं कि आर्यन बड़ा हो गया है थोड़ा सा इसको काम हम सिखाऊँ। क्यों क्यों बोलती हूँ करने के लिए, क्योंकि अगर सवाल हो बाई चांस मुझे कहीं आना जाना हुआ तो अकेले रहेगा तो संभाल लेगा। और किचन का काम कुछ नहीं कराती हूँ, बस बोलती हूँ झाड़ू तो बहुत से लोग मारते हैं, बिना मामा मारता है झाड़ू, बिना मामा तो नाश्ता भी बना के मामी को खिलाते हैं। कल जुड़े रहिए ब्लॉग में, मम्मी आटा बना के तब मिलती है आपस में। सब लोग खाना खा लिया, घड़ी में बस हो रहे 10:40 और मम्मी यहाँ पे किचन धो रही है, गैस धो रही है। रोज मम्मी जब खाना बना लेती है, खाना खाने के बाद बर्तन गैस किचन सब साथ में धोती हैं। हाँ तो यहाँ पे देखिए मम्मी किचन, बस जिस दिन मेरा तबीयत खराब रहता है कभी काले से पानी का प्रॉब्लम हुआ। अलग मम्मी का तबीयत खराब रहता है, मैं उसको खा लो बेटा। अरे 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 खाओ उसको, नहीं नहीं उसको खा लो, उसको छोड़ते नहीं है, इसको थोड़ा सा खा लो, खा लो खा लो खा लो, छोड़ते नहीं है। हेलो जुड़े रहिए ब्लॉग में, मैं यहाँ पे किचन साफ करके तो मिलते हैं आप सबसे। नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फैमिली, गुड मॉर्निंग फैमिली, सुबह हो गई है। इधर देखिए लोग के लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ, शनिवार का दिन है, नाश्ते में आज जानते हैं मैं क्या बना रही हूँ, भजिया जा रही हूँ बनाने। और इसमें देखिए बेसन ले ली हूँ, अजवाइन थोड़ा डाल दी और लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ। इधर से लोग साफ आएगा, इस साइड से लोगे तो साफ आएगा, इधर आओ धूप निकल जाता है तो सही से वीडियो नहीं आता है। लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ। आज मम्मी का सुबह सुबह ही खाने का मन कर दिया भजिया। मम्मी का खाने मन किया है, तुम लोग के लिए बना रही हूँ, मम्मी का क्या, मम्मी आराम से केवल चाय बना के पी सकती है, हल्दी पाउडर नमक स्वाद अनुसार। तो इन लोग के लिए नाश्ता बना देती हूँ, तो फटाफट मिलती हूँ मैं आपसे। तो सो गाइस इधर देखिए गर्मा गर्म भजिया, यानी हम लोग एक गाँव में इसको क्या बोलते भूल गए हैं, गाँव में क्या बोलते थे, आलू का पकौड़ी ऐसे बोलते थे, मम्मी आलू का पकौड़ी बनाओ ना, बैंगन का पकौड़ी बनाओ ना, ऐसे बोलते थे। और यहाँ इसको बोलते हैं आलू भजिया, जहाँ रहते हैं इंसान वहाँ का बोलने का हैबिट हो जाता है। अभी देखो आलू मुँह से नहीं नहीं निकलता है, आलू निकलेगा ही नहीं, बटाटा ही निकलेगा, फिर उसके बाद गोभी को कभी गोभी नहीं निकलता है, फ्लावर ही निकलता है, मटर को बटाना ही निकलता है, मतलब आदत हो जाती है, डेली वही इंसान मंगाता है वही चीज़ कह के जहाँ रहते हैं वहाँ की आदत बन जाती है। और चाय के साथ भजिया उजिया रहता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। आप लोग को भी खाना है गर्मा गर्म आलू का भजिया, आ जाइए खाने के लिए। हम लोग मंदिर से आ गए हैं और अभी को लेके आया हूँ मैं दूध, और मम्मी बनाने जा रही है चाय। और ये कहाँ गया वो भी ला दिया हूँ, वटाना आया था यहाँ पे, देखिए वटाना भी लेके आ गया हूँ मैं। और यहाँ पे मम्मी चाय बना रही है और आरो हाँ गुस्से में मंदिर से आया है, दिन भर गुस्से में रहता है। तो हम लोग ब्लॉग में जुड़े रही है, अभी मम्मी चाय बना के तब आप सबसे मिलती है। अभी थोड़ी देर पहले
आया था गांव से, मतलब कि मम्मी ने लगाया था, और घड़े में कितने बज रहे हैं, 1:20 हो रहे हैं, और कुछ अम्मा के फ़ोन आया था और कुछ बातें ऐसी हुई तो दोनों जन इमोशनल हो गए। मम्मी यहाँ पे बैठ के रो रही थी, मैं शांत कराया मम्मी को, और उधर भी अम्मा भी रो रही थी, तो दोनों जन अपने आपस में बात कर रहे थे। क्या हुआ मम्मी, हाँ क्या हुआ बोलो, हाँ अरे बोलोगी, हाँ बोल दो। ऐसे ही कभी कभी मन एकदम उदास रहता है बात करने का, किसी को मन नहीं करता। तो अभी क्या हुआ, किस बात पे रो रही हो, हाँ पूछ लो। तो यहाँ पे देखिए मम्मी इतना इमोशनल है, तो बता दो तो क्या हुआ। क्या मालूम क्या अम्मा और मम्मी के बीच में बात हुआ और दोनों जन इमोशनल हो गए, पूछ रहा तो बता भी नहीं रही है। मैं अभी वीडियो में नहीं कब से पूछ रहा था कि मम्मी क्या हुआ क्या हुआ, मम्मी कुछ बता ही नहीं रही है और मम्मी इमोशनल है। देखिए अच्छा थोड़ी सी बात बता दो, लगता है कुछ पुराने बातें करके दोनों जन, होता है कभी कभी जब काफी दिन बाद। सुबह से ही पता नहीं कैसा लग रहा है यार, कहीं चली जाओ यार शांत रहो, अच्छा नहीं लग रहा है। कभी कभी होता है एकदम मन जैसे उदास जैसा, कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा है। जब कुछ सोचने लगती हूँ तो भगवान का पूजा भी करने का मन नहीं करता है। तो क्या मालूम क्या हुआ मम्मी और अम्मा के बीच में बात, तो पता नहीं मम्मी से पूछ रहा हूँ, मम्मी खाली वो बात को सोच सोच के रोते जा रही है, और मम्मी को भी शांत करा दिया, मम्मी बैठी हुई है शांति से। तो होता है कभी कभी अगर बात करें अपने से बड़ों से या फिर रिलेशन में, तो अगर पुरानी बातें अगर आ जाती है सामने तो इमोशनल हो जाता है, खास करके कोई बड़े बड़े इमोशनल बातें। तो वही मम्मी दोनों जन बात हुआ होगा, मेरे को तो 90% यही लगता है कुछ ऐसी बात हुई होगी, तो इसी वजह से मम्मी इमोशनल हुई, वरना मम्मी तो अभी अच्छे मूड में थी काफ़ी। और आई होप आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया होगा, और मम्मी और अम्मा के बीच में क्या बात हुआ कभी ना कभी कल या परसों के वीडियो में पता ही चल ही जाएगा, तो मम्मी को शांत करा दियो। अगर आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लगे हाथ बेल आइकन का भी बटन को दबा के ऑल पे सेट कर दीजिए, और मिलते हैं एक अच्छा नए ब्लॉग के साथ, तभी करते बाय बाय टाटा सी यू एंड टेक केयर।